मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर सेफ एट होम। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर। Chemical properties, reaction with acids, it is a neutralization reaction. Bases react with acid to form salt and water, it is a neutralization reaction. Potassium hydroxide plus sulfuric acid, potassium has plus 1, hydroxyl has negative 1. Plus minus 2. This plus is attracted by the minus 2, so that there will be 2 potassium which will be combined with the sulfate in order to have the balanced K2SO4 plus water. Water will be formed. Potassium has positive charge and hydroxyl has negative charge. Reaction with ammonium salt. Alkalis react with ammonium salts to liberate ammonia gas. Ammonium chloride plus sodium hydroxide. Ammonium NH4. It has plus charge, it has negative charge. ठीक है, ये होगा कैसे? इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर अगर खोलेंगे, तो यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है ये कंबाइन करेगी इसके साथ, तो ये वाटर बना देगी। पीछे NH3 रह जाएगा, ये अमोनिया बना देगी, और Na दिस पार्ट एंड NaCl इट विल कंबाइन एंड फॉर्म NaCl, तो ये NaCl हमारे पास बना देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन की आपको समझ आ गई है? इस रिएक्शन में क्या कहा है कि अमोनियम क्लोराइड का हम लोगों ने, अमोनियम का जो स्ट्रक्चर था वो हम लोगों ने यहाँ पे इसको ओपन स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका ड्रॉ किया है। ओपन स्ट्रक्चर में क्या हुआ था, जो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन अमोनिया में से, ठीक है, NH पॉजिटिव, वो हाइड्रोक्सिल से जाके कंबाइन किया और इसने वाटर बना दिया। रिमेनिंग अमोनिया, इट विल बी लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया गैस एंड वी हैव सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज द अमोनियम सल्फेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगेन द रिएक्शन इज सेम, ठीक है, कि यहाँ पे भी सेम ऐसे ही जो अमोनिया का हम लोग ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे और इसमें से एक जो अमोनिया थी वो अमोनिया गैस, वो एज अ गैस प्रोडक्ट की फॉर्म में ये यहाँ से लिबरेट करेगी और पीछे हमारे पास सल्फेट रह जाएगा। सल्फेट के ऊपर ये नेगेटिव 2, ठीक है, कैल्शियम के ऊपर प्लस 2, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और कैल्शियम सल्फेट बना देंगे, साथ में वाटर हमारे पास रिलीज हो जाएगा। इट विल फॉर्म कैल्शियम सल्फेट, अमोनियम गैस एंड वाटर। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। अल्कली प्रेसिपिटेट्स इन सोल्युबल हाइड्रोक्साइड व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स सच एज कॉपर, आयरन, जिंक, लेड एंड कैल्शियम। प्रेसिपिटेशन मीन्स दैट कि इसके जो दाने दाने से बन जाते हैं पीपीटीज, यानी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बन जाते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को सॉल्वेंट के अंदर कोई चीज़ डालते हैं और वो अगर आपको दाने के दाने की तरह के अगर आपको कोई प्रोडक्ट आपको मिलती है, तो इट मीन्स दैट दीज आर द पीपीटीज या इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट विल रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर हैज़ 2 प्लस चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल हैज़ माइनस चार्ज, तो इट मीन्स दैट 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल कंबाइन टू द कॉपर प्लस 2 एंड इट विल फॉर्म द क्यूप्रस ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस फॉर्म में आएंगे, ब्लू फॉर्म में आएंगे, और साथ में हमारे पास यहाँ पे सल्फेट NaSO4-2, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम, तो 2 सोडियम को कंबाइन करेंगे सल्फेट के साथ और Na2SO4 हमारे पास बना देंगे। सिमिलरली वी हैव जिंक क्लोराइड। जिंक हैज़ प्लस 2 चार्ज, Cl
इसके दो क्लोरीन थे, यहाँ पे भी दो, इसका माइनस टू आएगा, तो एन ए प्लस हाइड्रोक्सिल वन, और ये इसके जिंक हाइड्रोक्साइड, वाइट पीपीटीज और सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेम फेरिक के ऊपर यहाँ पे प्लस थ्री चार्ज है, ठीक है, प्लस थ्री फेरिक क्लोराइड, तो यहाँ पे भी तीन हाइड्रोक्सिल कंबाइन करेंगे और ये ब्राउन पीपीटीज इसके बना देंगे इन दिस फॉर्म, एंड वी हैव सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज द लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये इसके वाइट पीपीटीज बना देंगे लेड हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये साथ में सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट इज द कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपके भी ये सिंपल आ गया है। नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस रिएक्शंस की आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, एक मैंने आपको जनरल मेथड इनका समझा दिया, आपने उन मेथड्स पॉइंट्स को सामने रखते हुए आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। यूजेज ऑफ बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मैनुफैक्चरिंग ऑफ सॉप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मैनुफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिडिक रेन, ठीक है, एसिडिक रेन की वजह से या तेजाबी बारिशें होने की वजह से जो हमारे लेक्स वगैरह हैं या जो इस उनके अंदर भी कोई कह रहे हैं कि अगर ऐसे का फंक्शन परफॉर्म होता है जो एसिडिक नेचर होता है, तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर डाल देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन एल्कलाइन बैटरीज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज एज बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमिक, इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज एज फॉर्मिंग एजेंट इन द फायर एक्सटिंगुइशर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू रिमूव द गैस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स। It was our overall today's lecture. And now you have a weekend. In the weekend, you have to solve the test yourself 10.2. You have to mark the questions and find their answers. If you still find any difficulty or problems, highlight and clear them. Okay? Love is.